अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। गाजर का हलवा हर किसी को पसंद आता है, बच्चों को भी पसंद आता है और बड़ों को भी पसंद आता है, सभी का फेवरेट होता है। तो चलिए हम इस फेवरेट रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमने ली है 1.5 किलो गाजर। इसको अच्छे तरीके से हमने धो लिया है। अब हमने इसे ग्रेट करना है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं या फिर आप इसे हाथों से भी कर सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाता है। तो हमने इस तरीके से सारे गाजरों को अच्छे तरीके से ग्रेट कर लिया है। अब हमने किसी बड़े से इसे बर्तन में डाल देना है। अब हमने गैस की फ्लेम को ऑन करना है। 2 कप जितना इसमें दूध डालना है, अच्छे तरीके से हमें मिक्स करना है और अब हमें इसे 15 से 20 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर पकाना है। तब तक हमारा दूध खुश्क हो जाएगा और गाजर भी बहुत अच्छे तरीके से गल जाएगी। तो 20 मिनट हो चुके हैं पकते हुए, दूध भी खुश्क हो गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप जितनी शुगर, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। अब हमें मिक्स करना है। हाई फ्लेम पर हमें 5 मिनट के लिए और पकाना है ताकि शुगर का जितना भी पानी है वो खुश्क हो जाए। तो 5 मिनट हो चुका है, आप देख सकते हैं शुगर का पानी भी इसमें नज़र नहीं आ रहा है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 कप जितना घी, और घी डालकर अब हमने इसे 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर और भूनना है। जितने अच्छे तरीके से हम हलवे को भूनेंगे टेस्ट भी उतना अच्छा आएगा। तो हमें अब इसको स्लो फ्लेम पर कम से कम 10 मिनट के लिए भूनना है। तो 10 मिनट हो चुका है, अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून इलायची पाउडर और इसके साथ जाएंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट कटे हुए, आपके पास जो भी हो वो आप डाल सकते हैं। 1/2 कप इसमें जाएगा मावा और फिर हमें इसे मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमें गैस की फ्लेम को ऑफ करना है, गर्मा गर्म इसे सर्व करना है। बहुत टेस्टी सा, बहुत डिलीशियस सा हलवा बनकर तैयार है। आप भी इसको ज़रूर बनाइए। दुआओं में मुझे याद रखिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।